भारतीय मानसून की एक मुख्य विशेषता है, यह अनियमित और अनिश्चित है। क्यों अनियमित और अनिश्चित है, इसकी अगर तह में गहराई में जाएं, तो इसके पीछे एक फैक्टर एल नीनो और ला नीना आता है। हम लोग सीखे थे कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ कारक तो बहुत पास के हैं, जैसे हिमालय, थार का डेजर्ट, तिब्बत, लेकिन कुछ रिमोट फैक्टर्स हैं, दूर के कारक हैं, जैसे एल नीनो और ला नीना। अगर भारत में बाढ़ आई, भारत में सूखा पड़ा, तो एल नीनो और ला नीना की चर्चा हर जगह होती है, पूरे हिंदुस्तान में ये आ गया। आइए देखते हैं ये एल नीनो और ला नीना फेनोमेना क्या है, और इसी के साथ हम लोग सदर्न ऑसिलेशन की भी चर्चा करेंगे, और हम लोग उसी से रिलेटेड और भी कई फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो एल नीनो को पढ़ने के लिए हम लोगों को वर्ल्ड के मैप में देखना होगा कि सन सितंबर में 23 सितंबर को इक्वेटर पर वर्टिकल होगा, और जब सूर्य यहाँ वर्टिकल होगा इक्वेटर पर, तो इस पर हाई टेम्परेचर, कन्वेक्शनल करंट, लो प्रेशर होगा, और इस लो प्रेशर की बेल्ट को भरने के लिए नॉर्थ से ट्रेड आएगी और साउथ से भी ट्रेड जाएगी, और ITCZ यहीं पर होगा। ध्यान रखिएगा कि सूर्य यहीं पर वर्टिकल है, कब, 23 सितंबर को, और वर्टिकल है तो यहाँ की जल राशि भी गर्म हो जाएगी और वायु भी गर्म हो जाएगी। तो देखते हैं, जल गर्म हो गया तो समुद्र की सतह पर ही रहेगा, वायु गर्म हो गई तो गर्म वायु उत्तर में ट्रेड के रूप में ऐसे आएगी, और दक्षिण में भी ट्रेड के रूप में आएगी, और यहाँ अभिसरण होगा। फिर क्या होगा, यहीं से हवा कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठ जाएगी। लेकिन आइए देखते हैं जल का क्या होगा, जल यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, और ये जल ठंडा रहेगा गर्म, ये निर्णय तो आप बताएंगे। अगर सन वर्टिकल है तो यहाँ पर ये जल गर्म रहेगा, और ये गर्म जल यहाँ पर रहेगा कब तक, 23 सितंबर या पूरा सितंबर तक। लेकिन सितंबर के बाद सन जब साउथ हेमिस्फीयर में इंटर करेगा तो अक्टूबर में यहाँ जाएगा, नवंबर में यहाँ जाएगा, और दिसंबर में यहाँ जाएगा। तो क्या सन जब 23 सितंबर के बाद साउथ में मूव करेगा, तो क्या वो गर्म जल या ट्रेड वहीं रहेंगे या वो भी शिफ्ट करेंगे। सरल सा उत्तर है कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिण आएगा, वैसे वैसे पेटियां भी दक्षिण खिसकेंगी, और उत्तर की व्यापारिक हवाएं जिनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, वो अब भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं फेरल के नियम का पालन करते हुए अपने बाएं मुड़ जाएंगे। जब हवा बाएं मुड़ेगी तो आप ये बताइए कि जो यहाँ गर्म जल था सितंबर में, उसका क्या होगा। उस गर्म जल पर हवाएं अगर तैर रही हैं तो हवाओं का फ्रिक्शन पड़ता है, दबाव पड़ता है, उस फ्रिक्शन के कारण यहाँ का गर्म जल उसी व्यापारिक हवा के साथ दक्षिण आएगा। और इसके पहले यहीं पर क्या होता था, यहाँ पर एक कोल्ड करंट चलती है, क्योंकि साउथ में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, और अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ सरकम अंटार्कटिका कोल्ड करंट चलती है, वही तो करंट है, ठंडा जल है, चला जा रहा है, और पेरू के किनारे भी जा रहा है, पेरू में अटाकामा का डेजर्ट, और इसीलिए इसको कोल्ड वाटर डेजर्ट कहा जाता है। ऐसे बहुत कोल्ड वाटर डेजर्ट हैं जिनकी चर्चा हम ओशन करंट में करेंगे। बहरहाल ये कोल्ड वाटर कहाँ तक जाता था, पहले इक्वेटर तक जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि जब सूर्य दक्षिण में आ गया तो उत्तर की ट्रेड दक्षिण में मुड़ी, तो वो ट्रेड इक्वेटर के गर्म जल को दक्षिण धकेल दी, और दक्षिण वो जल आने लगा,
अब आप बताइए कि इस जल का नेचर, इसकी इसका स्वभाव, इसकी प्रवृत्ति गर्म होगी कि ठंडी। पहले तो यहीं पर पीरू की ठंडी धारा बहती थी, लेकिन अब क्या इसका स्वभाव ठंडा होगा गर्म? सीधा उत्तर है, यह गर्म पानी होगा, और इसलिए इसे कहा जाता है काउंटर पीरू करंट, विपरीत पीरू की धारा। बस आप तो पुस्तक से समझ गए, लेकिन यूपीएससी तो आपसे प्रश्न पूछ ही लेगा कि काउंटर पीरू करंट इसको हम कहते हैं, किस महीने में बहती है? तो सरल सी बात है कि जब सूर्य दिसंबर में मकर रेखा पर होगा तब काउंटर पीरू करंट चलेगी, लेकिन अभी यूपीएससी फुर्सत नहीं देगा आपको, फिर पूछेगा कि काउंटर पीरू करंट का नाम विपरीत पीरू धारा रखा गया है क्यों? क्या यह पीरू धारा के विपरीत चलती है इसलिए, या इसका स्वभाव, इसका नेचर गर्म है इसलिए? तो सत्य तो दोनों है, लेकिन निशान तो एक पर लगाना है। तो आप किस पर लगाएंगे, इसका उत्तर सोच लीजिएगा, पुस्तक में पढ़ लीजिए। लेकिन हमारा विचार है कि इसकी प्रवृत्ति, इसकी विशेषता गर्म हो जाती है, इसलिए इसको पीरू काउंटर करंट कहते हैं। दिशा तो बदलती है सोमालिया में भी करंट, जिसको हम लोग धारम पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर विपरीत सोमालिया करंट नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव चाहे दक्षिण से उत्तर बहे, चाहे उत्तर से दक्षिण, एक ही जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर काउंटर पीरू करंट चल रही है। फिर प्रश्न उठता है कि यह काउंटर पीरू करंट गर्म है, गर्म क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से आ रही है, और इक्वेटर पर वायु भी गर्म होती है, जल भी गर्म होता है, और अभी तो सूर्य गर्म करके धीरे धीरे आया है, इसलिए यह गर्म जल भी दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब सूर्य कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर वर्टिकल हो जाता है, तो यह काउंटर पीरू करंट और उसके साथ आया हुआ गर्म जल यहाँ तक पहुँच जाता है, और यहाँ पर माने मकर रेखा पर दक्षिण से आती है कोल्ड पीरू करंट, उत्तर से आती है वार्म काउंटर पीरू करंट। बस हो गई टकराहट दोनों में। जब दोनों में टकराहट हो गई तो यहाँ बन जाते हैं फाइटोप्लैंकटन। ये आपने सीखा होगा, सीखेंगे कि जहाँ दो गर्म और ठंडी विपरीत गुणों वाली जल राशियाँ मिलती हैं, वहाँ पर समुद्री वनस्पतियाँ या फाइटोप्लैंकटन बनते हैं। फाइटोप्लैंकटन मिलेगा तो भला जूप्लैंकटन कहाँ चूकेंगे, वो तो पहुँच ही जाएंगे, उनका भोजन है ना। जूप्लैंकटन में मछली रानी तो पहुँच ही जाएंगी, अर्थात पेरू के पश्चिम तट पर मछलियाँ बहुत मिलती हैं, लेकिन मछलियाँ मारी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरू का एक ट्रेंच है, ट्रेंच को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक भी सीखेंगे कि पैसिफिक प्लेट पूरब जा रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट पश्चिम, पैसिफिक प्लेट घुसी जा रही है, घुसने का ट्रेंच है, बड़े बड़े ट्रेंच यहीं पर सब हैं, बड़े बड़े ट्रेंच यहाँ पर हैं और ये यहाँ पर है। क्यों है? यह एक जियोमॉर्फोलॉजिकल या टेक्टोनिक पहेली है, जिसको हम लोग वहीं डिटेल में सीखेंगे। अभी तो इतना ही कि यहाँ पर मत्स्यन नहीं हो सकता है, जल बहुत गहरा है, इसलिए अगर आपको मछली बनने का ही फाइनल डिसीजन प्रभु ने कर दिया तो आप कहाँ के लिए फार्म भरेंगे? यहीं के लिए, कोई मार ही नहीं पाएगा, पानी गहरा है, पूरा लाइफ एंजॉय करिए। तो इस तरह से यहाँ पर गर्म पानी आ गया, और गर्म पानी ठंडा पानी मिलता है, तो पहले तो ठंडा ही पानी बह रहा था, अब गर्म भी आके मिल गया, तो बताइए उस पानी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा घट जाएगा? जहाँ पहले ठंडा ही बहता था,
अब वहाँ गर्म भी आ गया, मिल गया, तो एवरेज तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, बढ़ गया 14 डिग्री फारेनहाइट। सामान्य से 14 डिग्री फारेनहाइट जल का तापमान ज़्यादा हो गया। अब बस 14 डिग्री फारेनहाइट बहुत होता है, यहाँ आदमी के 2-1 डिग्री फारेनहाइट हो जाए तो हॉस्पिटलाइज, लेकिन महासागर को कौन हॉस्पिटल में डालेगा। लेकिन इतना तो हम कहेंगे ही कि इस महासागर के बुखार हो गया है, इसलिए इसको टर्म दिया जाता है फीवर ऑफ सी, समुद्र का बुखार। यही होता है पूरी दुनिया में समुद्र का बुखार, और ये बुखार यहाँ पर है इसके, और ये बुखरहा पानी भी है। अब बुखरहा पानी क्या यहीं रहेगा या इसका क्या गति होगी, इसको भी आपको सोचने की जरूरत है। ये बुखरहा पानी गरम गरम ये पश्चिम जाएगा, पूरब जा ही नहीं सकता है, यहाँ एक माउंटेन है ना, राकीज है कि इंडीज है, वो आपका काम है, तो इंडीज पर्वत को पार ही नहीं कर पाएगा, इधर लौटने की हिम्मत ही नहीं, प्रेशर बना हुआ है जल का, इधर कहाँ जाएगा, ठंडी धारा है, एक ही रास्ता इसको सूझेगा, पश्चिम जाना। ध्यान रखिए गर्म पानी है, बुखरहा पानी है, पश्चिम क्यों जाएगा, कौन ले जाएगा, शौक है कि मजबूरी, इसको भी समझने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पर जलमंडल वायुमंडल दोनों गतियों को साथ लेके चल रहे हैं। यह पश्चिम इसलिए जाएगा क्योंकि जब सूर्य यहाँ माने मकर रेखा पर है तो उत्तर की व्यापारिक हवाएं इस तरह से आ रही हैं, और पेटियाँ दक्षिण खिसकी हैं और दक्षिण की व्यापारिक हवाएं इस तरह से आ रही हैं। परिणाम क्या हो रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, टक्कर हो रही है तो चक्रवात बन रहा है, साइक्लोन। आप बुझिए यह ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा कि टेम्परेट, चक्रवात आप पढ़ें, टेम्परेट साइक्लोन 60-65 पर मिलते हैं, यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा क्योंकि घूमता रहता है, सूर्य जहाँ रहेगा कर्क रेखा पर तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ बनेगा, सूर्य मकर पर आएगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ बनेगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरफ चलता है अपने ऑर्बिट पर भला कौन नहीं जानता, आप स्वयं जानते हैं, बताइए। पश्चिम चले गए, पश्चिम चलेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब घूमते हुए चलेगा तो क्या जल को ही छोड़ देगा, क्या जल को भी कहेगा चल जल चल, जल भी चल पड़ा। अब बताइए जल सरल जल है कि बुखार हुआ है, बुखार हुआ है। अब वो जल पश्चिम की तरफ चल पड़ा, फिर प्रश्न बनता है ये सीधे पश्चिम जाएगा कि कुछ उत्तर पश्चिम घूमता जाएगा। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो है पेटियाँ खिसकती हैं, सूर्य जब धीरे धीरे उत्तरायण होगा ना, ये तो दिसंबर की बात है, ये तो 22 दिसंबर की बात है। अब 22 दिसंबर को यहाँ समुद्र के बुखार हो रहा है तो 3 दिन बाद ही तो 24 दिसंबर आ गया ना, उधर जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए खुशहाली के दिन, तो जीसस क्राइस्ट आप बताइए मेल चाइल्ड थे कि फीमेल चाइल्ड थे, सभी जानते हैं पुरुष बच्चा थे। बस जीसस क्राइस्ट के नाम पर 25 दिसंबर के आसपास एक घटना होती है और एलिनेनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, लैटिन में दो भाषाएं होती हैं स्पेनिश पुर्तगीज, तो स्पेनिश भाषा में एलिनेनो को मेल चाइल्ड कहा जाता है, पुरुष बच्चा। इधर पुरुष बच्चा का जन्म हो रहा है, इधर गर्मा गर्म पानी हो गया, तो है भी सत्य, पुरुष बच्चा होता है तो खूब उत्साह गर्माहट, कौन महिलाएं, लेकिन महिला बच्चा हो गई दुखी सब, कौन महिलाएं, क्या न्याय है क्या, नहीं, ये महिला जगत का था न्याय, छोड़िए वो तो समाज की बात है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरह से पानी, पानी अब इसको नहीं कहेंगे, अब हम एलिनो कहेंगे क्योंकि 25 दिसंबर तो बीत गया, 22 दिसंबर बीत गया, और इसको हम अब एलिनो कहेंगे, एलिनो की धारा कहेंगे, लेकिन पानी तो गर्म है बुख रहा है, अब इसका मतलब एलिनो की धारा चल पड़ी, कौन धारा है,
वायु धारा है कि जल, ध्यान में रखिएगा, जल धारा है। ठंडा पानी है गर्म, गर्म पानी है। और इसको ले कौन जाएगा पश्चिम? चक्रवात। कौन चक्रवात? ट्रॉपिकल। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन इसी पर चलता साल भर यदि सूर्य यहीं होता तब। लेकिन सूर्य तो उत्तर खिसक रहा है ना, दिसंबर में यहाँ है, जनवरी में यहाँ होगा, फरवरी में यहाँ होगा, मार्च में तो फिर उसको इक्वेटर पाना है ना, तो धीरे धीरे सन उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो पेटियाँ भी खिसक रही हैं, तो चक्रवात भी खिसकेगा, तो एलिनो का पानी भी गरम गरम वो भी उत्तर खिसकेगा। या देख नहीं रहे हैं, खिसकता चला आ रहा है एलिनो की धारा। और अब आ गया मार्च, ध्यान रखिएगा, दिसंबर से चला था, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तीन महीने में ये धारा चल रही है। बहुत बड़ा महासागर है ना, इसकी स्पीड ही कितना होती है धारा की, हम धारा में सीखेंगे। इसलिए ये है, मार्च में यहाँ आएगा, यहाँ इंडोनेशिया में जैसे आएगा तो आप अपने मैप मेटलस में देखिएगा, यहीं पर एक सेलीबीज आइलैंड है, सुलावेसी भी कहते हैं, वो एकदम से बिच्छू की तरह डंक उठा के फैला के खड़ा है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। बस जल आता है उसी सेलीबीज द्वीप से टकरा जाता है, और जैसे उससे टकराता है तो उसको तोड़ तो देगा नहीं, वो कहता है रुको जल। अब जल इकट्ठा होकर जब आएगा तो उस द्वीप से टकरा कर वो ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ पर समुद्र का तल जो सामान्य तल है उसकी अपेक्षा वो 60 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। 60 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, एक मीटर में 40 सेंटीमीटर कम, एक मीटर के आधा मीटर से ज़्यादा, इतना जल उठ गया। इतना जल उठ गया तो इस उठे हुए जल को केल्विन कहते हैं। केल्विन महोदय थे, पता लगाया टेम्परेचर, उसी के आधार पर केल्विन। ध्यान रखिएगा जल गर्म है कि ठंडा है, गर्म है, और यही तो एल नीनो की धारा है, आ गई इंडोनेशिया में, लेकिन यहीं पर इन्हीं इंडोनेशिया के द्वीपों से टकरा कर यही जल कुछ पूरब में चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहा जाएगा इसको। यही जल कुछ इधर क्यूरोसियो करंट कहा जाएगा। अच्छा, क्यूरोसियो करंट गर्म होगी कि ठंडी? सीधा है, इक्वेटर से जो पोल की तरफ जाएगी सब गर्म होगी, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी गर्म होगी। और कहीं अगर एलिनो का फेज है तो बहुत ही गर्म होगी। गर्म होगी तो क्या परिणाम होगा, इसको अब समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोग बाद में समझते हैं, हम लोग आई देखते हैं कि यह जल, केल्विन वाला जल, सुंडा, मलक्का और ये तमाम छोटी छोटी स्ट्रेट्स हैं, उन जल संधियों से होता हुआ ये प्रवेश कर जाता है कहाँ पर? इंडियन ओशन में। क्या आ गया? एलिनो की गर्म धारा। साइक्लोन इधर नहीं आएगा, वो साइक्लोन यहाँ अलग से डेवलप होगा। हाँ, लेकिन ये साइक्लोन यहाँ पर टाइफून के रूप में तो आ ही जाएगा मार्च के बाद, अप्रैल में। लेकिन यहाँ पर ये एलिनो का गर्म जल आ गया। अब यहाँ देख क्या रहा है कि ये तो इंडिया में मानसून की बारात की तैयारी हो रही है। मानसून की बारात की चर्चा हम किए थे, क्या कि जब ये मार्च है, मार्च में यहाँ आ गया, मार्च के बाद अप्रैल में सूर्य उत्तर जाएगा, मई में और जून में। और अप्रैल और मई में इंडिया में थार के डेजर्ट में या नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, 990 मिलीबार, 992 मिलीबार। लेकिन उसी समय हिंद महासागर पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जल भी तो है। परिणाम क्या होता है कि हिंद महासागर पर, या कह लीजिए अरब अरेबियन सी या बंगाल सी पर हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अब साउथ वेस्ट मानसून चलने की पूरी तैयारी कर लिया,
बस मानसून की बारात तैयार थी। बारात में चर्चा हुई थी दूल्हे राजा कौन है। दूल्हे राजा माने यहाँ से जाने वाले गुप्त उष्मा से, और आतिशबाज भी तो हैं क्योंकि वहाँ पर लाइटनिंग भी तो होगी और बाजा वाले भी तो हैं, थंडरिंग भी होगी और बारिश भी होगी। तो कुल मिला के इन सब फैक्टर्स मिलकर के मानसून की बारात तैयार है। लेकिन ये जो बारात लेके जा रहा है दूल्हा राजा, ये बहुत परिश्रम कर रहा था। आईएएस की तैयारी जब कर रहा था तो बहुत हार्ड वर्क। अब तो सफल हो गया ना, और अब तो उसकी शादी भी अच्छी जगह तय हो गई ना, हिंदुस्तान में बड़े परिवार में। अब तो बारात लेके जा रहा है, लेकिन इस दूल्हे राजा का पड़ोसी रात दिन चिंतित था कि ये कैसे पढ़ रहा है। उसको अपने बेटे की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि वो पढ़े या ना पढ़े, ये क्यों पढ़ रहा है। लेकिन ये परिश्रम किया, बेरोक टोक सफलता भी मिली और शादी भी अच्छे घर में हो रही है। लेकिन वो एलनिनो जो पड़ोसी है अपना अस्त्र अभी भी छोड़ेगा, कहेगा बेटा तुम हमारे हर निशाने को चूक कर दिए, अब एक अंतिम हम ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं। ओ देखिए बेलेनो गर्म धार आ रही है। अब इस दूल्हे का पड़ोसी गया उस बुढ़े के पास जिसका कि अंतिम समय आ गया है, और उसके पास अब कुछ नहीं है। जिंदगी में पन्नी पीता था, गाली देता था। ए एलनिनो माने इस दूल्हे का पड़ोसी माने मानसून का पड़ोसी कहेगा दद्दू दद्दू, अरे फलाने के बेटवा तो कलेक्टर बनेंगे, शादी बड़े अच्छे घर हो जाएगी। तो मंगरू बुढ़ा कहेगा ठीक है भैया होने दीजिए क्या। तो पड़ोसी क्या कहेगा, नहीं दद्दू तो आप ये कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं, आप महान हैं, पहले हम सेवा आपकी करेंगे, लीजिए एक पन्नी गुटर गुटर घुट। जब बुढ़ा पी लिया तो कहा अहम ब्रह्मास्म, बोलो बच्चा क्या कहना है। पड़ोसी ने कहा मगरू दद्दू एक काम करना है, उस दूल्हे राजा को चलकर 50 गाली दे देना है। तो कहेगा इतना ही, ये तो मेरी पुरानी प्रैक्टिस है, चल ले चल मुझको। अब वो आ गया और यहाँ दूल्हे राजा माने मानसून माने एनर्जी जो कि वाटर वेपर लेके इंडिया में जाने वाली है उसको गाली दे दिया। और जैसे ही गाली दे दिया, अब दूल्हे राजा के सामने दो विकल्प। एक विकल्प कि वो सोच रहे हैं हम जा रहे हैं बारात, हमारे यार मित्र हमको गाली दे दिया, इतना बड़ा अपमान, एक झापड़ जड़ दिया। किसको, मंगरू दादा को। और उनका ब्रह्मा के यहाँ लेटर टाइप हो चुका था, काउंटर साइन भी हो चुका था, चले गए। अब आप बताइए दूल्हे राजा अपनी बारात लेके अपने टारगेट पर जाएंगे कि तिहाड़ जेल में जाएंगे, वो तो मर्डर केस लग गया। लेकिन दूल्हे राजा के सामने एक और विकल्प है, वो कहें दद्दू अरे मंगरू दद्दू अरे 10 हो गए आप थक जाएंगे, लीजिए एक दूसरी पन्नी मैं दे रहा हूँ गुटर गुटर गुट। बुद्धिमानी क्या है, दूसरा वाला विकल्प, इससे शादी कैंसिल थोड़ी हो जाएगी, बारात तो जाएगी, दूल्हे राजा तो कहलाएंगे। कुल मिलाकर एलनिनो इज वार्म वाटर करंट, एक गर्म जल की धारा है जिसका एक उद्देश्य है इंडियन ओशन में बनने वाले लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को डिस्टर्ब कर देना। जैसे यहाँ से हवा चली और गर्म गर्म पानी आया तो यहाँ पर तो पानी ठंडा है ना, क्योंकि सूर्य तो यहाँ है, पानी ठंडा है तो प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई है तो मानसून बहुत जोश खरोश के साथ जाने वाला है। लेकिन एलिनो का गर्म पानी जब आ जाएगा तो आप बताइए यहाँ के जल को गर्म करेगा कि ठंडा, गर्म करेगा। और जैसे ही जल का टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर का ऊपर गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही आप बताइए
इंडियन ओशन की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, दूल्हे राजा बारात के साथ ऊपर उठने लगेंगे कि दूल्हे राजा इंडिया में जाएंगे, सीधा सा प्रश्न है। तो अगर दूल्हे राजा को गर्मवा दिया एलनिनो ने, या एलनिनो आ करके इंडियन ओशन के पानी को गर्म करके, वहाँ के टेम्परेचर को गर्म करके, प्रेशर को कम कर दिया, तो दूल्हे राजा तो ऊपर चले गए ना। अब कहाँ बढ़िया सा मानसून आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और जब मानसून नहीं आएगा, और यहाँ खबर मिली कि दूल्हे राजा सशरीर ऊपर चले जा रहे हैं बारात लेकर के, गर्मा गए हैं पूरा, कौन गर्मवाया है? वो मंगरू पड़ोसी एलनिनो। तो बताइए घर आती तो कितना रसगुल्ला बना है, खुश होंगे? बिल्कुल नहीं खुश होंगे। अब उस घर आती में दुल्हन का पिता ज़्यादा दुखी होगा कि माँ? माँ को बहुत चिंता रहती है बेटे की शादी के लिए, बस माँ चिल्लाएगी, अरे माई अरे बाप। माई माने गंगा माँ, बाप माने हिमालय बाप। तो हवा तो जाएगी, या दिल से कोई कह दिया अरे माई अरे बाप, तो आवाज़ तो पहुंच जाएगी वहां पर। बस गंगा माई ने बाप को खबर दे दिया, बाप माने हिमालय हिमवान, बाप पीछे सुना, सोचेगा कि हमारी पुत्री दुखी है। दुखी क्यों है? वो तो अंतर्जामी है, सब देवी देवता। क्यों दुखी है? क्योंकि एलिनो ने आकर इंडियन ओशन में टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और जो दूल्हा उत्तर बारात लेके भारत में बारिश करने जा रहा था, वो गर्म होकर ऊपर चला जा रहा है। वो कहेगा कोई बात नहीं, अभी हम व्यवस्था करते हैं। तो हिमालय को तो जान ही रहे हैं, उसके दो हाथ हैं, दाहिने हाथ में राजस्थान और बाएं हाथ में तिब्बत, वो खड़ा है ऊंचा सा, और दोनों को कहेगा भाई देखिए विपत्ति आने वाली है, मानसून की बारात ही कैंसिल हो रही है, कुछ व्यवस्था करिए। थार कहेगा मालिक जितना कहिए उतना गर्म हो जाए। ध्यान रखिएगा इस समय सन कहाँ पर है, सन इस समय अप्रैल के बाद मई और जून में आ गया है। तो राजस्थान कहेगा साहब जितना कहिए मैं हीटिंग कर रहा हूँ, कह करो। तिब्बत कहेगा सर मैं क्या करूँ, कहे तुम भी कुछ करो यार हीटिंग करो। दोनों की हीटिंग स्टार्ट। थ्री फैक्टर्स हैं इंडियन मानसून को कंट्रोल करने वाले, मोनिक्स में आपने सीखा था। और हिमालय खुद कहेगा कि मैं भी तो कुछ करूं अपनी प्रजा के लिए, क्या करेगा? आप बताइए। हिमालय के बर्फ पर आल्बेडो होता है, और वो आल्बेडो भी अपना शॉर्ट वेव रेडिएशन से ऊपर रिलीज करेगा। बस इन तीनों सोर्सेस से निकलने वाली एनर्जी ऊपर जाएगी यहाँ से, और जब ऊपर जाएगी कन्वेक्शनल करंट के रूप में, तो ट्रोपोपास्कल जाएगी। फिर तो आपको भी याद हो गया होगा मानसून में मोनिक्स थियरी या कोटेश्वरम की थियरी, जब ऊपर 10-11 किलोमीटर उठ गई तो वहीं से चलेगी नॉर्थ ईस्ट जेट, जब जेट चलेगी तो इक्वेटर करेगी क्रॉस, साउथ में मुड़कर 15-20 पर उतरेगी। जब उतरने लगेगी तो देख क्या रही है कि दूल्हे राजा ऊपर चले जा रहे हैं सशरीर गर्म गर्म होकर। कौन गर्मवाया? मंगरू, मंगरू नहीं एलिनो। जब ऊपर हवा जा रही है तब ये यहाँ से आने वाली जेट कहेगी दूल्हे राजा कहाँ जा रहे हैं, अरे जाओ भारत में बारिश वारिश करो, वहाँ पर तुम्हारे होने वाले सास ससुर दुल्हन सब इंतजार कर रहे हैं, जाओ उधर जाओ धीरे से जाओ। अब दूल्हे राजा ऐसे उठ रहे हैं तो ऊपर से आने वाले जेट के, जाओ भाई कहाँ जा रहे हैं जाओ। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट से बनने वाली जेट यदि धीरे धीरे इस पर प्रेशर बना रही है, तो दूल्हे राजा का मतलब मानसून यहाँ धीरे से उतर कर और यहाँ आके नॉर्मल रेन कर देगा। नॉर्मल रेन हो गई, मिल गया मीडिया को अखबार वालों को, एलनिनो आया लेकिन भारत में नॉर्मल रेन रही। लेकिन कभी कभी वही दुल्हन की मम्मी जब सुनी कि नहीं दूल्हे राजा बारात लेके ऊपर जा रहे हैं,
तो वो थोड़ा सा तेज आवाज में चिल्ला दी, अरे माई अरे पा, तेज आवाज में चिल्लाई तो यहाँ पर फिर वही माई गंगा बाप हिमालय, हिमवान को फिर पता लग गया। अब वहाँ तो कैलाशपति भी है ना योग निद्रा में, वह कहा कौन इतना जोर से चिल्लाया, तो अंतर्जामी है, बजा दिया डमरू। डमरू जैसे बजा, अर्थात थार का डेजर्ट, हिमालय का अल्बेडो, तिब्बत का प्लेटो से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट थोड़ा सा पावरफुल हो गई, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अब पावरफुल हो गई, तो जेट भी स्ट्रांग हो जाएंगे। जेट जब पहले वाली की अपेक्षा स्ट्रांग होंगी तब यहाँ तेजी से उतरेंगी, जब तेजी से उतरेंगी तो दूल्हे राजा तो ऊपर जा रहे हैं, पहली वाली उतरी थी धीरे धीरे, दूल्हे राजा बैठ जाओ जाओ भारत में बारिश, लेकिन दूसरी वाली जो स्ट्रांगली उतर रही है वो पूछेंगे नहीं, मारेगी भर से दूल्हे राजा को, यहाँ कहाँ जा रहे हो, रास्ता वहाँ यहाँ चले जा रहे हो। तो अगर जेट तेजी से उतरेंगी तो दूल्हे राजा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ से आने वाली एलेनो की गर्म धारा से हुआ वाष्पीकरण और जलवाष्पयुक्त हवाएं जो ऊपर उठ रही हैं उन पर अगर इस जेट का प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो वो पहुँच जाएंगे, टाइम से पहुँच जाएंगे, द्वार पूजा ठीक 8 बजे हो जाएगी और भारत में बढ़िया है मानसून। तो इसका मतलब भारत में मानसून जो है सामान्य से ज़्यादा रहा, सामान्य से ज़्यादा हो गया। और अगर तो अब अखबार वाले निकाल लेंगे कि भारत में मानसून सामान्य से ज़्यादा, फिर अखबार में निकलेगा एलिनो आने के बाद भी भारत में मानसून सामान्य से ज़्यादा, अच्छी बारिश हुई। पहले क्या निकला था कि एलिनो आया और भारत का मानसून सामान्य, पहले दूसरे में सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा माने बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अखबार वाले निकाल लेंगे कि इस बाढ़ का श्रेय किसको है, एलिनो धारा को। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मानसून जाने का है और मानसून यहाँ नहीं जा पा रहा है क्योंकि एलिनो आ गया, एलिनो आ करके इन हवाओं को गर्म करके और ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठने लगी, कहाँ से, इंडियन ओशन से। यहाँ पर न तो हिमालय सक्रिय है, न तो महादेव, न तो तिब्बत का प्लेटो, न थार का डेजर्ट, कोई नहीं, सब सुस्त है। सुस्त है का माने यहाँ से तीनों सोर्सेस डिफंक्ट हो गए हैं, कन्वेक्शनल करंट उठ ही नहीं पा रही। जब नहीं उठेगी तो जेट बहुत धीमी चलेगी, धीमी चलेगी तो बहुत धीमी उतरेगी, बहुत धीमी गति से उतरेगी तो यहाँ का जो बारात है सिस्टम वो धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। और यह सिस्टम, यह मानसून का सिस्टम इंडिया में आएगा ही नहीं, तो क्या परिणाम होगा, मानसून वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो इंडिया में बारिश नहीं होगी, नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। फिर अखबार वाले निकाल लेंगे कि भारत में एलिनो आया और सूखा डाला, अब तो 3 कटिंग हो गई, एलिनो आया मानसून सामान्य रहा, दूसरी कटिंग फिर 10 दिन बाद एलिनो आया भारत में बाढ़ आई, तीसरी एलिनो आया भारत में सूखा आया। तो भाई मीडिया के लोग तो वही लिख देंगे जो रियलिटी है, लेकिन हम आप तो मीडिया के हैं नहीं, हमसे आपसे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए एलिनो भारत में आता है तो उसका क्या परिणाम होता है, किस लिए आता है, उसका एम क्या है। तो सरल सा उत्तर है, ये आता है यहाँ पर इंडियन ओशन में गर्म करता है दूल्हे राजा को, वो ऊपर उठ जाते हैं, भारत में मानसून वीक हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, सीधा उसका मकसद है। लेकिन अगर एलिनो आ गया और उसी समय नॉर्थ इंडिया से थार
तिब्बत और हिमालय से बहुत फोर्सफुल जेट आ गई, तो क्या परिणाम होगा? एलिनो तो हमारे मानसून को न्यूट्रल कर रहा है, इंडियन ओशन की हवा गर्म करके ऊपर उठा रहा है, लेकिन जेट क्या कर रही हैं? उसको न्यूट्रल कर दे रही हैं। जितना तेज हवाएं यहाँ से उठ रही हैं उतना ही तेज जेट उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। परिणाम क्या होगा? उतना तेज दबाव बनेगा तो मानसून जो है सक्रिय होगा। इसलिए यहाँ पर दो चीजें हैं, हम भारत के लोग बैठे हैं और हमारा एक दुश्मन एक नाग चला रहा है, वो नाग हमको डसने आ रहा है, भारत ने उसको खा डाला। लेकिन हमारा एक मित्र भी है भगवान कृष्ण का मोर, तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मोर बैठा थोड़ी रहेगा नाग को देखकर। मोर सोचेगा कि ये तो मेरा भोजन आ गया, आओ कर लेते हैं, फुर्सत आप ओम कृष्णाय नमः करिए। क्यों? क्योंकि भारतीय मानसून का दुश्मन क्या है? एल नीनो। और भारतीय मानसून का मित्र क्या है? थार, हिमालय और तिब्बत की हीट। इस तरह से यह है एल नीनो एपिसोड। अब इसी पर थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि अगर ये एल नीनो का गर्म पानी इंडियन ओशन में आकर भारतीय मानसून को कमजोर करता है और वहाँ सूखा डालता है, तो आप बताइए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अगर एल नीनो का गर्म पानी आएगा तो क्या यहाँ बारिश कराएगा कि नहीं? उसी की एक चार्ट अप्लाई करिए। यदि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इस पैसिफिक ओशन से यहाँ पर सूर्य जैसे यहाँ पर लंबवत है तो यहाँ तो बहुत गर्म होगा, यहाँ जल है ठंडा होगा, ठंडा होगा तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, बरसाने का मूड है डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। लेकिन इतने में आ गया एल नीनो, ये पूछा इन हवाओं से कहाँ जा रही है, कहेगा जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पानी बरसाने, तो एल नीनो का पानी कहेगा नहीं हम तुम्हें वो गर्म कर देते हैं, गर्म करके तुम ऊपर उठो, वहाँ का पानी बरसा जा रहा है। इसका मतलब एल नीनो केवल केवल सूखा डालना उसका उद्देश्य। ऐसे ही आप यहाँ बताइए ये धारा जो जा रही है चीन के पूर्व में ये क्या करेगी? क्या यह चीन के पूर्वी तट पर वर्षा होने देगी या सूखा डालेगी? पक्का है सूखा डालेगी। सूखा डालना, आग लगाना, ये सब एल नीनो काम है। स्पेशली एक एल नीनो की घटना 1997 में हुई, और 1997 में एल नीनो की धारा आई, गर्म जल की धारा, और इंडोनेशिया में उसी समय फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लग गई थी, और यूपीएससी ने पूछ लिया कि इंडोनेशिया में जंगल में आग लगने का कारण क्या था। तीन विकल्प तो सामान्य थे, चौथा विकल्प था एल नीनो। भला एल नीनो क्या माचिस लेकर आई है? जल है, गर्म जल होना तो एक बात है, और माचिस लेके आई जंगल में आग कैसे लगाएगी? इसलिए लेकिन उत्तर एल नीनो ही था। तो क्या एल नीनो आग लगाएगी क्या? इस राज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कोई एक आइलैंड है, द्वीप है, इस द्वीप पर फॉरेस्ट हैं। कौन से फॉरेस्ट होंगे? इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, भूमध्य रेखी सदाबहार वर्षा वन, और इसमें फॉरेस्ट फायर नेचुरल काज से लग जाती है, कोई बांस है लकड़ी है आपस में घर्षण से, तो आग लग गई और खूब तेजी से जलने लगा। तो जलने लगेगा तो लैंड पर तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, प्रेशर लो हो जाएगा, लेकिन इसी क्षेत्र में समुद्र तो ठंडा होगा उसी अपेक्षा, और समुद्र का ठंडा जल पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से हवा इस लैंड के लो प्रेशर तरफ चल पड़ेगी, बाल्टी भर के पानी लेके जाएगी, कहीं आग लगती है तो आदमी बाल्टी भर के गगरा लोटा जो कुछ होता है लेके जाता है। बाल्टी भर के जाने का मतलब है कि जलवाष्प मॉइस्चर लाइडन विंड चल पड़ी, जैसे चल पड़ी वैसे ही एल नीनो आ गई। एल नीनो का काम क्या है? हाथ थाम लेना,
जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जा रही है, हाई प्रेशर माने ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ, तो एलिनो आएगी, इस ठंडे जल को गर्म कर देगी। गर्म कर देगी तो ये गर्म हवा अब ऊपर उठने लगेगी, अब वो लैंड पर नहीं जाएगी तो आग नहीं बुझेगी, बारिश नहीं होगी, नहीं तो जाके बारिश कर देती, आग बुझ जाती, तो आग बढ़ती ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के एलिनो ने आग तो लगाया नहीं, लेकिन आग को बुझाने वाले का हाथ पकड़ लिया। जैसे कोई अभी एक बाल्टी पानी लेके आग को बुझाने जा रहा है, अब मैं उसका हाथ पकड़ के रोक लूं, अब पुलिस आ जाए तो किसको दंडित करेगी? हमें। इसलिए उसमें विकल्प पर यही निशान लगाना था कि ये आपका एलिनो के कारण आग लगी, एलिनो ही जिम्मेदार है। इस तरह से एलिनो की धारा आती है। और यहाँ पर भी सूखा, चाइना के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, इधर इंडोनेशिया मलेशिया में, इंडिया में, अरेबियन पेनिनसुला में और अफ्रीका के पूर्वी तट पर, क्योंकि ये गर्म पानी आकर के हर जगह प्रभावित करता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये गर्म पानी ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नहीं जाएगा, इसलिए एलिनो का प्रभाव नॉर्थ अटलांटिक ओशन या उसके तटवर्ती किसी भी देश में नहीं पड़ेगा। एलिनो फेनोमेना बस पेरू के तट से और यहीं था उसका टारगेट। अब अगर कोई पुस्तक वाला लिख दिया कि एलिनो करंट अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से आती है, तो इस पर आप सावधान रहिएगा, ऐसे लेखकों पर सावधान रहिएगा, इधर से बिल्कुल नहीं आती, इधर से आने का कोई प्रश्न ही नहीं, यहाँ तो सरकम अंटार्कटिका करंट चलती है और यहाँ पर अगुलहास की धारा चलती है। एलिनो का विज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर प्रभाव डाल देता है। अब इस विचार के अनुसार अगर आप ध्यान दें तो ये एलिनो यहाँ पर हर साल डेवलप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सन तो यहाँ से सितंबर के बाद दिसंबर में हर साल यहाँ आएगा, हर साल ये होना चाहिए, लेकिन एलिनो हर साल नहीं आता है, ये हर 5 साल या 4 साल के इंटरवल पर आता है। जैसे 1 साल एलिनो आ गया तो उसके बाद 4 साल तक एलिनो नहीं आएगा, 4 साल तक शीतल धारा यहाँ से आएगी और 5वें साल एलिनो आ जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वर्ल्ड में यही ओशन है साउथ पैसिफिक ओशन जो कि बहुत गर्म हो जाता है। वैसे इसका अध्ययन बहुत पहले से शुरू हुआ है, लेकिन 1982 और 83 में पहली बार एलिनो को रिकॉर्ड किया गया और उस समय तक आधा समुद्री परमाणु परीक्षण भी होना शुरू हो गए। अब आधा समुद्री परमाणु परीक्षण सबमरीन न्यूक्लियर टेस्ट ज़्यादातर साउथ पैसिफिक ओशन में ही होते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्रांस का है मुरुरुवा एटाल, उस पर परीक्षण किया गया और उसमें क्रैक डेवलप हो गया, लेकिन उससे जो डिस्चार्ज एनर्जी है इसी वाटर बॉडी में ही तो रहेगी, और वाटर बॉडी में रहेगी तो इसकी एक कंटेनिंग कैपेसिटी होगी, जब 3-4 साल बाद उसकी क्षमता से बाहर हो जाएगा तो वह पानी गर्म धारा के रूप में चलाएगा और यहाँ प्रभाव डाल देगा, लेकिन उसके अलावा फिर ठंडा ही पानी आएगा। लेकिन ये वैज्ञानिक परीक्षण के पहले से ही 16वीं सदी से भी इसके बारे में कुछ अंदाज लगा है। सूखा तो भारत में बहुत पहले से राजा जनक के समय से आता था, तो इसलिए ये एलिनो इसका मतलब कि परमाणु परीक्षण के अलावा इसमें कुछ और भी विचार है। आपको याद होगा कि हमारी पृथ्वी 3 जनवरी, ये है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के बाद कितना दिन ही बचता है, 3 जनवरी को
उपसौर की स्थिति में आती है, पेरिहेलियन। और उपसौर की स्थिति में इस साउथ हेमिस्फीयर को सामान्य से 7% ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो 7% ज़्यादा एनर्जी अगर मिलेगी तो एनर्जी तो वाटर बॉडी में रहेगी और एनर्जी भरी रहती है, लेकिन 4-5 साल के बाद वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई भी एनर्जी स्टोर होती है तो उसका एक नेचुरल वे निकलना भी होता है, इसलिए वह एनर्जी फिर एलिनो की धारा के रूप में आ जाती है। इसलिए एलिनो 4-5 साल के इंटरवल पर आता है। और उसके अलावा जब सामान्य पानी आता है, ठंडा पानी, उसको लानीना कहा जाता है। लानीना माने एलिनो का उल्टा, एलिनो माने मेल चाइल्ड, लानीना माने फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड माने महिला बच्चा, महिला बच्चा फीमेल चाइल्ड। या यहाँ से ठंडा पानी जब आएगा तो क्या करेगा, इसका निर्णय आप सुनाइए। ये ठंडा पानी आएगा, ठंडा ठंडा, इंडियन ओशन में भी ठंडा पानी आ गया, लानीना का ठंडा पानी यहाँ आ गया। अब उस समय मानसून की बारात की तैयारी हो गई, यहाँ पर खूब हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तभी तो मानसून तेज जाएगा। आई पानी आ गया ठंडा, अब बताइए यहाँ ये टेम्परेचर को क्या करेगा, और ठंडा कर देगा, और ठंडा कर देगा तो प्रेशर और हाई हो जाएगा, प्रेशर और हाई हो जाएगा तो मानसून और तेज जाएगा। अर्थात यदि एलिनो भारत में सूखा डाल रहा था तो आप बताइए लानीना क्या करेगा, भारत में आकर के और इंडियन ओशन को और स्ट्रांग करेगा, और बारिश होगी और बाढ़ आएगी। अब हम लोग इसको समझते हैं कि यह एलिनो के बाद लानीना कैसे आता है। इसको समझने के लिए देखना होगा कि यहाँ से जब गर्म जल की धारा एलिनो आएगा तो इंडोनेशिया में स्पेशली आपका जो वो सेलिबीज द्वीप है उस पर टकरा कर यहाँ जल का स्तर सामान्य सतह से 60 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। और समुद्र में 60 सेंटीमीटर बहुत बड़ी चीज होती है, 1 मिलीमीटर भी समुद्र टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसलिए यह ऊंचा उठा हुआ जल तो जल पर ही दबाव डालेगा, जल वहीं बैठेगा, जब जल वहाँ बैठेगा तो जल नीचे चला जाएगा 300 फीट नीचे। और नीचे नीचे ये जल, ध्यान रखिएगा, ऊपर जल की एक धारा चल रही है, गरम गरम है, यहाँ जल इकट्ठा हुआ, उसका प्रेशर बना, जल यही नीचे बैठ गया, और जल नीचे ही नीचे चला जा रहा है, कहाँ पर, वहीं पेरू के तट पर। और 300 फीट नीचे जाने का मतलब क्या हुआ कि वो ठंडा है, क्योंकि सी लेवल जल गर्म होता है सौर तप से, नीचे ठंडा। जब यहाँ ठंडा ठंडा जल आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर निकलेगा यहीं पर। क्यों ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहाँ का पानी तो गर्म होकर हट गया, गर्म हो गया लेकिन हटाया कौन, याद करिए चक्रवात। इसका मतलब यहाँ जगह बन गई, थोड़ा सा जलस्तर नीचे हो गया, और यहाँ तो जलस्तर ऊंचा हो गया था ना, तो जो ऊंचा होगा तो बैठेगा, नीचे नीचे जाएगा, और यहाँ से फिर ठंडा ठंडा पानी निकलेगा। कोई अगर योगा करने यहीं लैंड पर पानी में पैर डाल के बैठा है, सोच रहा है चलिए योगा करें, तो अचानक जब ठंडा पानी निकलेगा तो उसका पैर ठंडा लगेगा, कहेगा बाप रे बाप ही क्या हो गया। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपवेलिंग, अपवेलिंग, UPWELLING। यहाँ पर एक अपवेलिंग की घटना होती है, दुनिया में ऐसे कई जगह पर होती है, जिसकी चर्चा हम ओशन वाटर करंट में सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ इतना जानिए कि पेरू के पश्चिम तट पर अपवेलिंग होगी, और जब अपवेलिंग होगी तो ठंडा पानी होगा, फिर वो ठंडा पानी भी तो धीरे धीरे आएगा,
और ठंडा पानी जब आएगा तो लानीना आ गई और भारतीय मानसून स्वस्थ रहेगा। इस तरह से एक बार एल नीनो तो 3-4 साल तक लानीना, इसका मतलब 3-4 साल तक मानसून स्वस्थ रहेगा तो उसके बाद फिर सूखा पड़ेगा। ये हमारा एक साइक्लिक चल रहा है और ये साइक्लिक बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसका सही रिकॉर्ड 1982 और 83 से किया जा रहा है।